हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटलर्जी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वन है कि राइट डाउन नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर। हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स, दैट इज कॉपर पाइराइट सोर्स। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कॉपर के जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट ओर्स है उनका नेम्स और फॉर्मूला लिखना है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कॉपर पाइराइट सोर्स से कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। हाउ एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एल्यूमिनियम के जो इम्पोर्टेंट ओर्स है उन ओर्स का नेम्स और फॉर्मूला लिखना है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग बॉक्साइट ओर से कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन। हाउ आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट ओर। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आयरन के जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट ओर्स है उन ओर्स का नेम्स और फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग हेमेटाइट ओर से कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसी में आपको एक ब्लास्ट फर्नेस का एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए गैंग फ्लक्स एंड स्लैग, बी फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज, सी पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉयज, डी एलॉयज। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि नीचे कुछ टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक पर आपको क्या करना है, नोट्स लिखना है। जैसे ए में गैंग है, फ्लक्स और स्लैग है, बी में फेरस और नॉन फेरस एलॉयज पर लिखना है, सी में एलॉयज बनाने का पर्पस क्या है उसके बारे में नोट्स लिखना है, और डी में एलॉयज पर नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, बी मिनरल्स एंड ओर्स। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या अंतर है उसके बारे में लिखना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि मिनरल्स और ओर्स के बीच क्या डिफरेंस है उसको लिखना है। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। ए में ब्रास, बी में ब्रॉन्ज, सी में जर्मन सिल्वर, डी में बेबिट मेटल, ई में ड्यूरेलुमीन, एफ में वुड्स मेटल और मोनेल मेटल। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि नीचे कुछ एलॉयज दिया गया है, उस एलॉयज का कंपोजिशन प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन लिखना है।